दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3000 से अधिक नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53,000 के पार हो गई थी। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने शनिवार को बेहद अहम फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने की सलाह दी है जो छुट्टी पर है। इसी के साथ अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही स्वास्थ्य कर्मियों को छुट्टी देने की बात कही गई है। उधर हालात के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने इस पर आदेश जारी किया है। इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों के कर्मचारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। ऐसे में आप सभी को वापसी आना होगा। दिल्ली सरकार की ओर से सभी अस्पतालों के निदेशक MD डीन को निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को आदेश दे के उनकी छुट्टी रद्द है और सभी स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में तुरंत रिपोर्ट करें। वहीं सुविधाओं की कड़ी में दिल्ली के बुराड़ी में निर्मित हो रहे 700 बेड के अस्पताल में दिल्ली सरकार 450 बेड का नया कोरोना अस्पताल शुरू करने जा रही है। इससे दिल्ली के कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 2000 बेड हैं। इसी तरह राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 500 बेड, दीपचंद बंधु अस्पताल में 200 बेड और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में 200 बेड है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के 2 होटलों को 2 अस्पतालों से अटैच कर दिया गया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।